Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA, and Canada. Let's learn and earn from your home. अब पी ओ डब्ल्यू ई आ गया, अब हम ई की स्टेज पे आ गए, इवेल्युएट। ओके, अब हमने क्या करना है कि एक रफ ड्राफ्ट हमारे पास बन गया और उसके बाद सही हो गया। अब ये चीजें हैं कि कंटेंट स्ट्रक्चर, लैंग्वेज फॉर्मेटिंग, ये चीजें हम लोगों ने देखनी है इस स्टेज पे, ई वाली स्टेज पे, इवेल्युएट। अब कॉन्टेंट में कि आप कहना क्या चाहते हो, स्ट्रक्चर में कि सही जा रहा है, वो लॉजिकली जा रहा है जैसे आप लिखना चाहते हो, जैसे आप बताना चाहते हो किसी को बात। अब मतलब आप इसी चीज को ले लें कि अगर मैंने आपको पावर का फॉर्मूला समझाना है तो अगर मैं आपको पहले आर से स्टार्ट करवाऊं कि भाई आर से हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको वो वाली चीज स्टार्ट कराऊं, शुरू का बताऊं यहाँ कि आपने अपने माइंड को कैसे तैयार करना है, ये सारी चीजें मैं स्किप कर दूं और मैं आपको एंड से स्टार्ट करूं या मैं मिड से स्टार्ट करूं, लाइक मैं आपको इवेल्युएट की स्टेज अभी बताने लगी हूं और पीछे से मैंने कुछ नहीं बताया, तो आपको क्या समझ आएगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो इस तरह से आपने कुछ भी लिखना है उसको देखना है कि जो पहले की चीज जो बताने वाली है रीडर को, आपने रीडर की तरह सोचना है कि रीडर को ये चीज समझ आ रही है, मतलब उसको मैं जो भी बताना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ ये उसको सही समझ आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। आपने इस तरह से लिखना, आपने रीडर की तरह सोचना है और फिर एंड पे जो है वो फॉर्मेटिंग वगैरह का आता है और लैंग्वेज का ये कि आपकी टोन वगैरह कैसी है और आप उसे बता कैसे रहे हो, ठीक है। अब हम कंटेंट की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है जब भी आप लिख रहे होते हो, सही है। अब अगर फर्ज करें आपका जो भी रीडर है उसको फॉन्ट का, अभी फॉन्ट का तो कोई उसमें वो नहीं होता, डिपेंड करता है ये तो, लाइक अगर आप कोई भी चीज लिख रहे हो तो नहीं, वेबसाइट पे तो फॉन्ट वगैरह दूसरी चीज है, अलग चीजें आ जाती हैं वेबसाइट पे, आप किस तरह से डाल रहे हो वो एक अलग सी अलग चीज है, वो आप लाइक राइटिंग वगैरह में नहीं इन चीजों को लेते, सही है वो आपका। जी बिल्कुल बेशम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही। अच्छा, ऐसा हो गया कि अब आपने रीडर की तरह सोचा है कि प्रोडक्ट रिव्यू है या प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ लिख रहे हो, प्रोडक्ट की डिटेल्स देनी है। अब आपको एक कोई कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट है जो आप लोगों ने पहले सोचा है कि भाई रीडर कौन है, रीडर है विमेन वगैरह। अब उसके बाद ऐसा हुआ कि आपने सोचा है कि भाई मुझे ये, अगर मैं ये चीज खरीदूं, मुझे एक सेकंड दीजिएगा सर। जी श्योर, सॉरी सॉरी यार, मुझे ये बताइएगा कि ये सेशन मजीद कितनी देर आपको और इसमें टाइम चाहिए, नेक्स्ट क्लास में मैं अगर आप कहते तो मैं, क्योंकि आगे ये थोड़ा सा है इसको डिटेल में इसके बारे में बात करनी हो, क्योंकि ये सारी जो भी चार चीजें बताई है एक्सप्लेन करनी है, ऑलमोस्ट 9 पीएम तक टाइम है, अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो भी कोई इशू नहीं, करना चाह रही तो जैसा आप कहें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लें अभी अगर अगले 10-15 मिनट के अंदर जितना कवर करा सकते हैं वो करवा ले, जिसका लिंक अगले लेक्चर के साथ ना हो जो यहीं पर ही फिनिश हो, ठीक है। मैं अगर आप कहते हैं क्योंकि इतना है कि ये कल के उसमें भी आ सकता है, बस ठीक है, तो फिर आप इनको टास्क भी असाइन कोई ना कोई कर दीजिएगा उस ग्रुप के अंदर जहाँ पे जो सीक्रेट ग्रुप है कंटेंट राइटिंग का, ताकि ये फिर उसको परफॉर्म कर ले। हाँ हाँ, टास्क जरूर देना है, यहाँ पर मैं आप सबको एक टास्क दूंगी और मुझे जो है वो चाहिए, अगर इसमें से किसी ने भी ना दिया ना तो थोड़ा सख्ती वाला मसला है। अभी मुझे पहले क्वेश्चंस करने दें कि आप मुझे बताएं अभी तक आप लोगों को क्या समझ आया, किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी कर लें, क्योंकि आप लोग बहुत सुस्त हैं, मुझे मतलब अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आते आप लोगों की साइड से मुझे फील होता है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, आप लोग अटेंटिव नहीं है इसकी तरफ, आप लोगों को सही समझ नहीं आ रही, ठीक है। अब मुझे बताएं कि हमने अभी तक क्या किया, पी और ओ वाली स्टेज जो है वो मैंने आप लोगों से कर ली थी, अब डब्ल्यू वाली और ई वाली स्टेज का मुझे बताएं। बेशम, ऐसा है कि रीडर, अगर आपको इस तरह से रीडर की तरह से सोचना है कि आपका जो भी रीडर है वो उसको क्या चीज चाहिए हो सकती है, अगर आपका वो लिखा हुआ पीस अगर वो पढ़ेगा,
उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरीज को प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रहे तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पर भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।